हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन कंटिन्यू करते हैं कल लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखे थे आज भी हम लिमिट के कुछ अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे ठीक है ना चलिए देखते हैं तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपने पूछा है हमसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ए टू दावर एक्स माइनस एक्स टू पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर एक्स माइनस ए टू पावर ए इक्वल्स टू अगर वन है तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बट ये बनेगा क्यों नहीं आप लोगों से एलेवेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो उनसे क्योंकि आपको डिफरेंशियशन नहीं आना आया है अभी आपको इतना डिफरेंशिएशन आता नहीं है तो आपको मैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बताऊंगा उनको याद कर लेना है ना चलो खैर कर देंगे ईजी है कोई दिक्कत नहीं है देखो भाई क्या है यहाँ पे वेरिएबल कौन है जो बदल, बदलता वही वेरिएबल होता है तो यहां एक्स ए की तरफ भागा भागा आ रहा है मतलब वेरिएबल यहाँ पे कौन है बेटा एक्स है वेरिएबल कौन है एक्स है चलिए तो अब हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले पुट करके देखो तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे डायरेक्टली कि कहीं क्वेश्चन हमको मूर्ख तो नहीं बना रहा है तो ए की पावर ए माइनस ए की पावर ए अपॉन ए की पावर ए माइनस ए की पावर ए अरे वाह ये क्या बन गई जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन गई है जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है बेटा एल हॉस्पिटल मेथड का किसका L हॉस्पिटल मेथड लगाइए कहता है कि लिमिट लगाते जाओ डिफरेंशियट करते जाओ और लिमिट पुट करते जाओ डिफरेंशियट करो और लिमिट पुट करो समझ में आया तो भैया तो पहले लिमिट ए, अब ऊपर का ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए जिनको याद नहीं है वो याद कर लें लिख लें डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए ठीक है थोड़ा इधर बैठ जाओ तुम तुमको दिख रहा हो एडजस्ट कर लो अपने आपको ए की पावर एक्स ए माइनस एक्स की पावर ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए क्या बनेगा बच्चों एन ए की पावर एन माइनस वन अरे बेटा अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या लगाते टू एक्स तो यहाँ पे वही तो लगेगा a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन तो लो भैया यहाँ भी लिख दो a x की पावर a माइनस वन क्योंकि a तो कांस्टेंट है ठीक है बेटा हाँ या ना ऊपर का कार्यक्रम संपन्न हो गया अब नीचे डिफरेंशिएट करो x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी मैं बोलूंगा आप याद कर लो क्योंकि इसको मेथड से अलग होता है तो आप इतना याद कर लो x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x वन प्लस लॉग एक्स ये याद कर लीजिए आप x की पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर लीजिए x की पावर x वन प्लस लॉग एक्स ठीक है चलो तो यहां रख देता हूं मैं तो यहां हो गया x की पावर x वन प्लस लॉग ऑफ x माइनस ए की पावर ए ये तो बहुत ही सिंपल है कहीं पर x है ही नहीं इसमें जिसमें एक्स ना हो वो क्या होता है कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना जीरो चलो अब अगला पुट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है तो पुट करिए हां इक्वल्स टू का इक्वल है बेटा वन के अब आप गलती मत करना कि यहां का डिफरेंशिएशन किया तो यहां का भी कर दो नो एल एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लेफ्ट में लगता है एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लेफ्ट में लगता है चलो भैया बैठो जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ केमिस्ट्री के प्रसिपिटेट के जैसे सेटल हो जाओ प्रसिपिटेट क्या बोलते हो हिंदी में अब अवक्षेप अब छेप. सेटल को क्या बोलते हो निष्पंदित हो जाता है तले पे बैठ गया चलो खैर केमिस्ट्री में मत आओ नहीं भाई अपने ही फेल हो जाए पता चला चलो भैया देखो इधर यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए एक एक्स ए इंटू एक्स की पावर है माइनस वन ठीक है बेटा हाँ, अब देखिए भैया अब लिमिट पुट करके देखो इसमें लिमिट रखो तो लिमिट जैसे एक लिमिट रखोगे हटा दो ए की पावर ए और यहां पर कितना बेटा लॉगे माइनस ए इंटू ए की पावर कितना ए माइनस वन और यहां पर ए की पावर ए और ब्रैकेट में क्या बेटा वन प्लस लॉगे ठीक है ना वन प्लस लॉगे चलो अब देखो क्या होगा ये देखो भैया इसकी पावर कितनी है वन जिसकी कोई नहीं उसकी पावर वन बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाएंगी एड तो अगले स्टेप में क्या आएगा ए की पावर ए लॉग ए माइनस ए की पावर कितना ए ही आएगा क्योंकि माइनस वन और प्लस वन एड होके कैंसिल हो जाएंगे और नीचे बचा कितना बेटा ए की पावर ए वन प्लस लॉग ए देखो ए की पावर ए ए की पावर ए ऊपर से कॉमन इक्वल टू वन भी चलेगा ए की पावर ए कॉमन आ जाएगा तो ये मेरे को रफ करना पड़ेगा मैं इसको यहां पे रफ करता हूं फिर उसके आगे सॉल्व कर पाऊंगा यस yes. तो यहां पे आगे का कार्यक्रम ये है कि ए की पावर अपन ने कॉमन ले लिया तो ये कितना बन गया बच्चों ये बन गया लॉग ए माइनस वन और नीचे अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने इक्वल में माइनस वन था तो कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं हुई है माइनस लगा लो क्योंकि अपन ने अभी तक उसको हाथ लगाया ही नहीं है चलो माइनस वन और यहां पे है एक की पावर ए वन प्लस लॉग ए इक्वल्स टू कितना बेटा माइनस वन इससे ये क्या हो गया कैंसिल हमें ए की वैल्यू निकालनी है याद रखिएगा चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया लॉग a माइनस वन और माइनस वन का मल्टीप्लाई तो माइनस वन माइनस लॉग ए इस लॉग ए को उधर उठा करके लेके आओ बेटा ये लॉग ए प्लस लॉग ए कितना हो गया बेटा टू लॉग ए और ये माइनस वन और ये क्या हो जाएगा प्लस वन मतलब कितना हो गया जीरो तो टू log a इक्वल टू कितना जीरो मतलब लॉग ए इक्वल टू कितना जीरो टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा यस और नो बेटा लॉग में कुछ ना लिखा रहे तो उसका बेस क्या होता है ई e. क्या बेस होता है ई e. लॉग में कुछ ना हो तो बेस क्या होता है ई e. अब यहां से हमको ए की वैल्यू चाहिए है तो रूल ये होता है कि लॉग हटता है तो सामने वाले के ऊपर उसका बेस आ जाता है सामने वाला जो होता है इस पर पहुंच जाएगा तो ये ई e की पावर कितना हो जाएगा जीरो क्या पहुंच जाएगा ई e की पावर जीरो इक्वल्स टू तो आंसर ई e की पावर जीरो इक्वल टू तो कितना वन हाँ? क्या हुआ तो कहां लाना था माइनस वन बेटा वैल्यू फाइंड करनी थी ए की माइनस वन लाना नहीं था ए की वैल्यू फाइंड करनी थी चलो नोट करो इसको सो आंसर ए की वैल्यू होगी यहां पे वन ये लो बेटा देख लो इसमें से भी चलो अच्छे से नोट कर लो चलिए तो अब अगला डाउट जो है आपका वो है बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कोफिशियंट मतलब कि सर सबसे बड़ा गुणांक बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू दावर टू एन ठीक है ना वन प्लस एक्स टू दावर टू एन द ग्रेटेस्ट कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन वन प्लस एक्स की पावर टू एन बेटा मतलब वन प्लस एक्स की पावर टू एन के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक बताना है अब मैंने बताया था कि सबसे बड़ा गुणांक काय का होता है मध्य पद का किसका होता है मध्य पद का घात कैसी है सम पद बनेंगे विषम घात है इवन, तो पद कैसे बनेंगे और. ऑड पावर बनेंगे तो कितने मध्यपद निकलेंगे एक मध्यपद समझ गए निकलेंगे और आपको याद हो कि घात होने पर एक पावर एन होने पर सम यदि होता था तो होने पर जो मध्य पद निकलता था वो होता था एन प्लस टू बाई वन थे याद आया एन प्लस टू बाई वन था। तो फिलहाल जो इसका मध्य पद निकलेगा बेटा इसका जो मध्य पद निकलेगा वो एन की जगह क्या है बेटा टू एन बाई टू प्लस क्या वंथ हाँ ना ये इसका मध्य पद निकलेगा एन से एन क्या हो गया कैंसिल हो गया मतलब एन प्लस पद जो होगा वो इसका मध्य पद होगा एन प्लस वनवा पद जो होगा वो इसका मध्य पद होगा समझ में आया ना तो अब हम निकालते हैं टी एन प्लस वन टी एन प्लस वन बोलो टी एन प्लस वन क्या निकलेगा एन सी आर एन की जगह कौन बैठा टू एन तो टू एन सी एन क्योंकि आर की जगह कौन है एन टू एन सी एन वन की पावर टू एन माइनस एन मतलब खेल खत्म वन से कोई लेने देना है ही नहीं है इन टू एक्स की पावर कितना एन सही है yes, तो गुणांक चाहिए है मतलब यही चाहिए अपन को टू एन सी एन चाहिए तो ऑप्शन में देखो टू एन सी एन है क्या नहीं है ऑप्शन में टू एन सी एन नहीं है तो अब आपको इसको टू एन सी एन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा समझ गया ना आपको इसको टू एन सी एन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या देखो एक चीज अब इसमें शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक भी कैसे लगा सकते हो देखिए आप अगर एन की वैल्यू कुछ ले लें तो शॉर्ट ट्रिक यहां पे लग जाएगी जैसे एन की वैल्यू थ्री ले ली तो जो ऑप्शंस आपके पास है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन थोड़ा बड़ा है दूसरा ऑप्शन टू एन सी एन माइनस वन तीसरा ऑप्शन टू एन सी एन प्लस वन मतलब बी और सी तो हंड्रेड परसेंट नहीं है हाँ या ना अब अब मैच किस में ड्रॉ हो गया बेटा फर्स्ट में और फोर्थ में फर्स्ट में और फोर्थ में बेटा पेज नंबर फोर्टी थ्री है yes, ना पीडीएफ का पेज नंबर फोर्टी थ्री देख लो तो फर्स्ट में और फोर्थ में अब चांसेस बन रहा है कि फर्स्ट या फोर्थ में कोई ऑप्शन होगा फर्स्ट में या फोर्थ में कोई ऑप्शन होगा तो चलो पहले मैं इसका मेथड बता देता हूं फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा कि मेथड से कैसे करते हैं तो अभी फिलहाल अपने सामने गुणांक कौन है बेटा टू एन सी एन तो हमको किसको सॉल्व करना है टू एन सी एन को चलो करें सॉल्व तो क्या होता है फैक्टोरियल एन का मतलब होता है इसको सॉल्व करो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल टू एन माइनस एन मतलब अगेन क्या फैक्टोरियल एन बोलो ठीक है ठीक है अब इसको सॉल्व करना है फैक्टोरियल 2n को मैं क्या लिखूंगा स्टार्ट करूंगा कहां से बेटा 2n yes. फिर क्या 2n एन वन फिर क्या माइनस टू डॉट 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 -डो डॉट डॉट तीन दो एक नो yes no? yes, और नीचे है बेटा अपने पास फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n ठीक है अब ध्यान से देखो बेटा यहां पे दो है 2n है यदि मैं 2 एक बार कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा बेटा एन या ना अगर मैं इससे टू कॉमन ले लूं तो इसमें क्या बचेगा एन माइनस वन हाँ या ना फिर आगे मगर टू आया तो टू की पावर टू हो गया फिर एक और टू आएगा तो टू की पावर कितना हो जाएगा थ्री और आगे क्या बचेगा एन माइनस टू हाँ या ना yes. और लास्ट में जो टू बैठा है डॉट 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 यहां पर फोर होगा फोर से टू कॉमन लिया तो कितना बचा और जो वन बैठा उससे कॉमन लिया तो कितना बचा ना? आया समझ में कि नहीं आया आया समझ में बट यहां पर क्या बन जाएगा टू की पावर एन क्योंकि आपने इससे 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 एन टर्म से कॉमन लिया है कितने टर्म से कॉमन लिया है क्योंकि टोटल टू एन टर्म्स थे तो आपने आधे टर्म से कॉमन ले लिया मतलब एन टर्म से कॉमन लिए तो क्या गया टू की पावर एन नहीं आया समझ में क्यों आया बेटा इससे क्या कॉमन लिए इससे क्या कॉमन लिए टू इससे क्या कॉमन लोगे टू आगे वाले से क्या कॉमन लोगे टोटल कितने टर्म है टू एन है है टोटल ये देखो ना एक से गाड़ी शुरू हो रही कहां तक चली है टू एन से तो एक से गाड़ी टू एन से चली है मतलब एन सम है और एन क्या है विषम है एन पद सम है और एन पद तो जितने सम वाले हैं उनसे क्या क्या कॉमन ले लिए टू कॉमन लिए समझ में आया अब क्लियर है अब जो बाकी बच गए उनको लिख दो तो जो बाकी बचे हैं वो कौन कौन बचे हैं ये बचा तो इसको लिखोगे क्या टू एन माइनस वन अगला क्या बचेगा टू एन माइनस थ्री और फिर लास्ट में ये बचेगा तीन और क्या बचेगा एक तो यहाँ पे थ्री आएगा और यहाँ पे क्या आएगा वन आया समझ में कि नहीं आया और यहाँ पे है फैक्टोरियल एन और यहाँ पे भी है फैक्टोरियल एन भैया ध्यान से देखिए इसको पलट करके लिखोगे तो वन टू थ्री फोर डा डा डॉ डा एन मतलब ये फैक्टोरियल एन ही तो है हाँ या ना क्यों भैया मकुल समझ में आया कि नहीं आया मकुल नाम है मुकुल नाम है अच्छा मुकुल चलो बढ़िया आ गए यार तो यहाँ टू की पावर एन है टू की पावर एन और इसके बाद ये लिख दो और फिर एन आ गया आया समझ में तो आंसर क्या बनेगा इसका इसका आंसर बनेगा टू की पावर एन अपॉन टू की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन और यहां पर क्या आएगा टू एन माइनस वन और टू एन माइनस थ्री अप टू डॉट 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 चल ले दो लो नोट कर लो भाई ये आंसर है कोई डाउट कोई डाउट है चलो भाई चलिए एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन आपने पूछा है भाई एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन क्या है आइए बात करते हैं देखिए कह रहा है क्वेश्चन एज्यूम दैट एक्स इज सो स्मॉल सज दैट सेकेंड एंड हायर पावर ऑफ मे बी नेग्लेक्टेड अरे भाई मजे की बात है कह रहा है कि एक्स इतना छोटा है नन्हा है कि एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो एंड हायर पावर एक्स क्यूब टेंस टू जीरो हायर पावर मे बी नेग्लेक्टेड देन सिंपलीफाइड वैल्यूज ऑफ वन माइनस टू एक्स की पावर टू बाई थ्री वन माइनस टू एक्स की पावर टू बाई थ्री एंड फोर प्लस फाइव एक्स की पावर थ्री बाई टू एंड इन लास्ट यहाँ पे है अपने पास अंडर रूट वन माइनस एक्स मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स की पावर वन बाई टू ठीक है ना अब आपको कुछ एक्सपेंशन आनी चाहिए है ना कौन सी कौन सी एक्सपेंशन आनी चाहिए एक आनी चाहिए आपके पास वन प्लस एक्स की पावर एन एक आनी चाहिए वन माइनस एक्स की पावर एन और ये सब तब लगेंगी जब एक्स बहुत स्मॉल हो जब एक्स बहुत स्मॉल हो ये एक्सपेंशन तब आनी चाहिए एक होनी चाहिए वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जो स्मॉल पावर वाले हैं जिसमें कह रहा है एक्स बहुत छोटा है एक्स बहुत छोटा है एक्स बहुत छोटे को ऐसा भी लिखा जाता है बेटा मॉड एक्स लेस देन वन ऐसा भी दिख जाए तो बात यही है मॉड एक्स लेस देन वन मतलब जो एक्स की वैल्यू है बेटा वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगी किसके बीच में माइनस वन से प्लस वन के बीच में समझ में आया तो एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगी तब इसमें सब यही रूल लगेंगे यही वाली एक्सपेंशन लगेंगी ठीक है ना तो आपको कुछ एक्सपेंशन याद होनी चाहिए इसके लिए और ये एक्सपेंशन मैंने आपको लिखवाई भी थी तो वो एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म में ये एक्सपेंशन जो है अपन ने बताई थी खैर उनको अपन कर लेंगे अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है अब देखते हैं यस yes. कह रहा है कि एक्स की हायर पावर नेग्लेक्ट हो जानी चाहिए चलो देखो इसमें कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है ये देखो ये फोर बैठा हुआ है क्या बैठा हुआ है तो सबसे पहले इससे फोर कॉमन ले लो क्या कॉमन ले लो फोर कॉमन लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि देखो इसमें सब में रूल है कि आगे वन होना चाहिए क्या होना चाहिए आगे वन तो फोर कॉमन ले लो तो देखो यहां पे वन माइनस टू एक्स की पावर टू बाई थ्री एक काम करते हैं इसको खोल देते हैं अब देखो तो जैसे इसको अंदर करोगे तो वन माइनस टू टू बोलो फोर अपॉन थ्री एक्स आएगा कि नहीं आएगा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्योंकि मैंने बताया था इसको कि हायर पावर के लिए वन माइनस एनएक्स हो जाता है भाई साहब ये याद है वन माइनस कितना NX. nx हो जाता है ठीक है न वन माइनस हो जाता है अगला स्टेप फिर से प्लस आता है अगला स्टेप जो होता है इसमें कितना आता है प्लस आता है और वो आता है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स का स्क्वायर इन टू एक्स का स्क्वायर ये आता है अगला टर्म अब क्यों आता है पहला टर्म एन सी जीरो अगला एन सी वन फिर अगला क्या एनसी टू तो एनसी टू ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं दो कदम ऊपर पीछे दो कदम नीचे पीछे एनसी टू इसको भूल गया है देख भैया एन सी टू एनसी टू इक्वल टूक्ट एन इन टू एन माइनस वन अपन कितना टू इन टू वन से इंटीग्रेशन लग गया यहां भाई hmm. भूल गया है? सब बिल्कुल नहीं पढ़े इसका मतलब सब भूल गया जीरो डब्बा हम्म ये देखो इंटीग्रेशन से नहीं आता बाइनोमियल थ्योरम से आता है ये जो है बाइनोमिल थ्योरम से आता है एन सी वन वही नॉर्मल एक्सपेंशन कर दी यार तो ये होता है इसको आगे बढ़ाने पर अभी लिख दूंगा इस क्वेश्चन के बाद एक्सपेंशन भी चलो याद दिला दूंगा ठीक है आया समझ में तो खैर अपन को तो लेना देना है नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर तो उसने पहले ही बोल दिया शहीद हो गया है वो एक्स स्क्वायर जीरो है तो अपन को लेना देना है ही नहीं अपन को तो इतने से काम है चलो अगला देखो हाँ यहाँ से फाइव नहीं फोर कॉमन लिया तो फोर की पावर बाहर क्या बन के निकलेगा और ये हो जाएगा वन प्लस फाइव अपॉन फोर होल्टी पावर एक्स की पावर कितना थ्री बाई टू चलो अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे और ये फिर यहाँ से पावर कूदे आएगी तो वन माइनस कितना हाफ एक्स वन माइनस वन अपॉन टू एक्स ठीक है yes, ये हो गया हम्म hmm. ओके okay. रुको 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 इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा बेटा इसको भी ऊपर लाओ ये बेटा ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू हाँ या ना जो yes, ऊपर चला गया क्योंकि नीचे पावर वन बाई टू था ऊपर वन बाई टू क्यों लाना पड़ा ऊपर क्योंकि अपॉन में कोई आंसर नहीं दिया ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस ऊपर वाले हैं नीचे वाला कोई है ही नहीं इसलिए मेरे को इसको नीचे से ऊपर बुलाना पड़ा नहीं तो मेरा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा आप लोग देख लो पीपीटी में चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फोर की पावर थ्री बाई टू बेटा फोर का मतलब टू का स्क्वायर की पावर कितना थ्री बाई टू टू से टू मर गए बोलो आंसर कितना आया एट तो आंसर में पहले एट आ रहा है ओके अब एट आ रहा है तो अब देखो आठ आ रहा है अब आगे की चीजें लिख दो हाँ क्या है वन माइनस फोर अपॉन कितना थ्री एक्स ये तो चला गया बाहर अच्छा ये भी अंदर घुसेगा अभी yes, तो पांच गुणे तीन पंद्रह और चार गुणे दो कितना आठ तो वन प्लस पंद्रह बटे कितना भैया आठ एक्स और ये भी अंदर घुसेगा तो वन प्लस वन बाई टू कितना yes, एक्स समझ में आया क्लियर yes, हुआ अच्छा ये देखो आठ अब 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 मल्टीप्लाई करना है तो ये वन ये वन ये वन 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 जा वन वन जा वन तो होगा और वन का मल्टीप्लाई किससे होगा आठ से तो मतलब पक्का पिक्चर में आठ तो आना ही है पिक्चर में आठ आना है तो ऐसे ऑप्शन बिल्कुल उड़ा दो जिसमें आठ नहीं आ रहा है तो देखो ध्यान से डी ऑप्शन में चार आ रहा है पहले डी ऑप्शन में चार बैठा हुआ है है ना हाँ तो चार बैठा हुआ मतलब वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है आठ से ही शुरू होगा अब तीन है जो बच्चा तुक्का भी मारे उसकी प्रॉबिलिटी बढ़ गई है आंसर के सही होने की ठीक ना हाँ तो ये देखिए चलिए सॉल्व करते हैं बेटा पहले इन दोनों को खेलो फिर उसके बाद उसके साथ खेलेंगे वन वन जा वन प्लस पंद्रह बटे आठ एक्स हाँ या ना फिफ्टीन बाई एट एक्स ना माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फोर बाई थ्री एक्स इंटू वन हाउ मच माइनस फोर बाई थ्री एक्स अच्छा अब ये इसका इससे हो गया इसका इससे हो गया इसका इससे हो गया अब इसका इससे होगा हो तो फोर से आठ कट जाएगा टू बार एंड थ्री टू जै सिक्स और नो हाँ five, चलो वैसे ही समझ लो थ्री फाइव जा फिफ्टीन है ना five, और फोर टू जा एट फाइव बाई टू थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड फोर टू जा एट मतलब फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू एक्स का स्क्वायर और नो ये हो गया इसको ब्रैकेट में लगाओ अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है वन प्लस वन बाई टू एक्स बेटा ध्यान से पहले इसको देखो जोड़ लो, हाँ एट बैठे रहो तुम हाँ ये देखिए अपने पास जो है अच्छा ये अपने चलो इसको भी ये एक्स स्क्वायर है ये क्या है खेल खत्म क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपन को क्या करना है नेग्लेक्ट करना है तो इसको हटा दो यहां से गायब कर दो क्यों लेके घूम रहे हो गायब कर दें कि ना करें यह इसको गायब कर दिया क्योंकि रखना ही नहीं है ना कॉम्पिटिशन कह रहा है कि इनको जीरो कर देना हायर पावर को तो इसको अपन ने क्या कर दिया जीरो कर दिया बट एक चीज देखो कि हाँ चलो एक्स स्क्वायर को जीरो कर दिया कोई नहीं अब सुनो मैं क्या देख रहा था अगर यहां पर कोई वन अपॉन एक्स में होता तो उस एक्स स्क्वायर को गायब नहीं कर देते क्योंकि मान लो कोई वन अपॉन एक्स में होता और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते तो एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाता ऊपर का कट जाता तो ये नहीं कि यहीं गायब कर देते और यहां वन अपॉन एक्स बैठा है उस समय सावधान हो जाते थोड़ा सा समझ गए ना अरे जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर था और आगे आ जाता वन अपॉन एक्स तो काट देता ना तो इसलिए थोड़ा चौकन्ना होकर काम करना फिलहाल तो चलो गाड़ी चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है चलो पंद्रह आठ वन प्लस हाँ आठ और तीन का एल्शियम चौबीस बारह आठ और तीन का एल्शियम हाँ चौबीस ही होगा प्राइम को प्राइम है चौबीस में से आठ गए तीन और कितना बातें नहीं करेंगे प्लीज यहाँ पे तीन आठ और ये कितना आया बत्तीस एक्स ठीक है बेटा ये हो गया ठीक है सब कुछ चाहिए चलो और वन प्लस एक्स बाई टू ठीक है चलो 45 में से 32 के बोलो कितना बचा तेरह तेरह एक्स कितना हो गया तेरह एक्स चलिए अब मल्टीप्लाई अभी भी करना है अपन को अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे जगह थोड़ी सी है इधर पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं वन इन वन कितना हुआ वन बाहर तो आठ रहेगा वन पर वन इंटू एक्स बाई टू मतलब कितना हो गया x by एक्स बाई टू तेरह एक्स बाई चौबीस तो यहां पर हो गया प्लस तेरह एक्स बाई चौबीस और आगे तेरह एक्स स्क्वायर और जीरो गोली मारो क्योंकि जीरोक्स स्क्वायर गायब कर दो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चौबीस और दो का एल्सियम प्लस चौबीस और दो का एल्सियम कितना चौबीस ठीक है ना और चलो यहां पे क्या जाएगा क्या जाएगा चाहेगा बारह 12, यहां बारह एक्स हो गया और यहां पे कितना तेरह एक्स तो भैया यहां पे हो गया एट वन प्लस कितना पच्चीस एक्स अपॉन कितना चौबीस चलो फोड़ दो एट बन जा एट एट का चौबीस से मल्टीप्लाई कितना वन बाई थ्री कितना वन बाई थ्री आंसर एट प्लस पच्चीस एक्स बाई थ्री देखो बेटा आंसर बी आंसर चलो नोट करो इसको छापो फोटो लो एट प्लस पच्चीस एक्स बाई थ्री ठीक है चलो चलो अगला बताओ भाई अगला क्वेश्चन बताओ अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सोलह भी मैंने करवाया था yes, sir, okay. बन गया ना सोलह yes, चलो ठीक है एग्जाम्पल नंबर सोलह के बाद मल्टीनोमियल थ्योरम एक जबरदस्त थ्योरम थी okay. मल्टीनॉमियल थ्योरम मल्टीनॉमियल थ्योरम मतलब कितने टर्म होंगे x प्लस वाई प्लस जेड की प्रसार में n की प्रसार में कितने टर्म होंगे याद करो yes. यस तो फॉर्मूला क्या था अगर आपके पास है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू अप टू अप टू कितने टर्म है आपके पास मान लीजिए आपके पास यदि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है एक्सपेंशन में तो एक्स की पावर एन ये तो अलग बात हो गई है यस ऐसे समझो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर एन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर एन में टोटल नंबर ऑफ टनस होंगे एन प्लस टू सी टू कितने होंगे एन प्लस टू सी टू ठीक ना एन प्लस टू सी टू यस अब इसमें और इसका तरीका क्या था वो भी मैं बता देता हूँ एक और मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन वो फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर है उससे समझो अपॉन आर माइनस वन एक्टली एन प्लस आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन उस फॉर्मूले से ज्यादा समझ में आएगा जैसे मान लो कि आपके पास कोई सीरीज दी गई है ए वन प्लस ए टू ये सारे वेरिएबल हैं क्या है ये सारे वेरिएबल हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू अपू अपू ए आर आर वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है एन ठीक है ना अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसके प्रसार में कितने पद होंगे तो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन यस ये फॉर्मूला याद कर लो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन इतने इतने पद होंगे इसके प्रसार में आओ देख लेते हैं एक एग्जाम्पल है ना बेटा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू यू प्लस फाइव डब्ल्यू यस ये देखिए ये दिए हैं आपके पास में अब ये देखो सब अलग अलग हैं कोई किसी से जुड़ नहीं पाएगा किसी हालत में नहीं जुड़ पाएगा ना मतलब सब अलग अलग जाति के हैं यहाँ पे कोई जुड़ नहीं पाएगा आपको बोला गया इसकी पावर दे दी गई है मान लो आपको 25 कितनी पावर दे दी गई है 25 हाँ या ना अब आपको बोला गया बताओ इसको जब खोलोगे तो कितने पद बनेंगे है ना इसको खोलेंगे तो कितने पद बनेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस आर माइनस वन तो एन मतलब पच्चीस प्लस आर माइनस वन जितने हैं एक दो तीन चार चार में से एक गए कम कितना हुआ तीन तो पच्चीस प्लस तीन पच्चीस प्लस तीन और नीचे भी आर माइनस वन मतलब कितना तीन समझ में आया तो पच्चीस प्लस तीन कितना हो गया अट्ठाईस सी थ्री ट्वेंटी एट सी थ्री चलो इसको सॉल्व करो तो ट्वेंटी एट से तीन कदम पीछे ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेंटी सिक्स और तीन कदम नीचे पीछे तीन गुणे दो गुणे एक तीन से कितने बार नौ बार दो से कितने बार तेरा बार तेरह गुण ना होता है एक सौ सत्रह वन हंड्रेड सेवनटीन और मल्टीप्लाइड बाई कितना ट्वेंटी एट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखो ट्वेंटी एट इंटू एक्सो सत्रह कितना आ रहा है उतने पद होंगे टर्म्स होंगे आ? तीन हजार दो सो छिहर थ्री थाउजेंड सेवन टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तीन हजार दो सौ छिहत्तर पद लिख लो भैया बहुत बढ़िया ठीक है ओके okay. चलो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सत्रह देखो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन देख लो है ना वैसे का वैसे ही सेवनटीन बन जाएगा हाँ ठीक है और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको कि एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n के प्रसार में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर एन के प्रसार में एक्स की पावर एन वन वाई की पावर एन टू और जेड की पावर एन थ्री का गुणांक जेड की पावर एन थ्री का गुणांक एक्स की पावर एन वन वाई की पावर एन टू और जेड की पावर एन थ्री का गुणांक याद रहे एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री क्या होना चाहिए एन होना चाहिए तो आपको याद रहे इसका जो गुणांक आता था गुणांक कोफिशियंट बोलते हैं क्या होता था बोल बेटा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू अ फैक्टोरियल थ्री एक बहुत बढ़िया फार्मूला है ये कराया था ना इस पर yes, चलो ठीक है नोट करो yes. <coughs> ये फार्मूला भी नोट कर लो अब इतने के लिए नोट कर लो है ना जल्दी से नोट कर लोगे एक दो सेकंड लगेगा फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल एंथ्री एक बड़ा क्वेश्चन भी कराया था इस पर मैंने बहुत बढ़िया ये फोटो सीधे ग्रुप में ठोको भाई लेके हाँ सीधे ग्रुप में डालो सबका कल्याण हो हाँ भैया बोलो मिश्रा जी yes. क्या हाल चाल सब बढ़िया है yes. समझ में आ गया yes. चलो तो फिर एक सवाल हो जाए मिश्रा जी से ही पूछ लिया जाए एक सवाल कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर ट्वेंटी लिखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर ट्वेंटी होल पावर होगा x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 20 को जब खोलोगे तो खोलते खोलते कहीं पर रस्ते पे टकराएगा x की पावर 12, y की पावर 6 और z की पावर 2 टकराएगा ना जब इसको खोलोगे तो टकराएगा आपको मुझे बताना है कि इसके साथ जो गुणांक आएगा वो क्या होगा और कुल पदों की संख्या भी बतानी है कुल पदों की संख्या टोटल कितने पद होंगे पहले ये बताओ फिर इसके बाद इसका गुणांक बताओ कुल पद कितने होंगे इसके जब खोलोगे तो कुल पद कितने होंगे

इक्कीस दो सौ इकतीस कितना आएगा 213. 231 सौ समझ में आया तो आंसर टोटल 231 पद होंगे अब उन 231 पदों में से बीच में यहां पर कोई पद बैठा होगा आपको बताना इसका गुणांक क्या होगा ये गुणांक बताओ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री का फॉर्मूला लगेगा पूरा सॉल्व करके मत बताओ फैक्टोरियल की भाषा में ही बता दो पूरा सॉल्व करने को नहीं कहा हमने कि पूरा बिल्कुल सही फैक्टोरियल ट्वेंटी फैक्टोरियल फैक्टोरियल देख लेना कि भैया जोड़ बीस हो रहा कि नहीं हो रहा है पता चला हमने आपको घुमा दिया मूर्ख बना दिया वो पदा ही ना हो क्योंकि कुल पदों की पावर घातों का संख्या बराबर वही होना चाहिए जो टोटल घात है आया ना होनी चाहिए ना हाँ तो 12, 6, 18 और 2 20 मतलब बिल्कुल सही है तो ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल 20 और नीचे फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2। चलो नोट करो भैया सॉल्व करने का क्या नहीं 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 करू मैंने पूछा ही नहीं ना सॉल्व करने का वो तो मजूरी करवाना हो गया वो अपन नहीं करवा रहे यहां पे। मजूरी आराम से लेबर गिरी बाद में करेंगे जो समझ समय रहेगा चलो भैया अगला बोलो और क्या मैथ्स का उद्देश्य किसी से मजूरी कराना नहीं है भाई मैथ्स का उद्देश्य आपके लॉजिक डेवलप करना है आप देखिएगा मजूरी का सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं है ना इसीलिए तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह डेवलप करो कि जिस बच्चों को राहत मिले चलो भाई अगला सवाल भैया क्वेश्चन नंबर वन हो गया था क्वेश्चन नंबर टू हो गया था देखिए आ जाइए जल्दी से पी में क्वेश्चन नंबर वन टू बोल के बैठा हूँ मोबाइल लेके आया करो भाई है ना अब इतना मटेरियल कहाँ दिया जाए क्वेश्चन नंबर वन टू टू कर लिया क्या वन नंबर तो बहुत ईजी था क्वेश्चन नंबर टू भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है कह रहा था एक्स की पावर फोर द एक्सपेंशन एक्स की पवर फोर में हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था करवा दिया था हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री द कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन दिस आर इन द रेशियो बढ़िया क्वेश्चन ये भी करवा दिया था ट्वेंटी पावर फोर का एक्सपेंशन हम्म ये भी करा दिया था देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड एन अच्छा ये इसको पूरा टोटल चल रहा है तो ए और एन की वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा इसमें हाँ हाँ आ, आ चलो आ गया टेन सी फिफ्टी थ्री भैया बिल्कुल सही है ना तो एक प्रॉपर्टी होती ना हंड्रेड सी हंड्रेड सी फिफ्टी थ्री भी है तो दो है ऑप्शन में बिल्कुल सही है देखिए एक फॉर्मूला होता है मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि दस में से छः लड्डू खाने के तरीके बराबर दस में से चार लड्डू खाने के तरीके याद आया दस में से छः लड्डू खाने के तरीके बराबर दस में से चार लड्डू खाने के तरीके यस तो एक्चुअली जब आप चलते हैं ध्यान से देखिए ऐसा कुछ समझो बेटा जब आप यहां चलते हो यहां होता है एन सी ज़ीरो और यहां होता है लास्ट में क्या आता है एन सी एन अब ध्यान से देखो ये दोनों बराबर होते कि नहीं होते हैं और फिर इसके बाद आता है यहां बेटा एन सी वन और इससे एक कदम पीछे क्या आएगा एन सी एन माइनस वन और ये भी बराबर होते हैं कोई भी प्रसार लिखते हो तो यहां का टर्म और यहां का गुणांक इधर उधर के गुणांक दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं होते कि नहीं होते तो जब दोनों गुणांक इधर के ही बराबर होते हैं अब यदि इधर की बात की जाए एन सी टू तो यहां पे क्या आएगा बेटा एनसीएन माइनस टू ये भी दोनों बराबर होते हैं तो अगर मैं रैंडमली किसी भी पद की बात कर लूं आर प्लस वन वे पद की इधर से और उधर से तो आर प्लस वन वे पद का गुणांक यहां से क्या आएगा एनसीआर क्या आएगा अरे यहाँ एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू और यहाँ पे क्या आएगा एन सी आर और यहाँ से क्या आएगा एन सी एन माइनस आर तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर तो आपने जो आंसर लाया है जो कहा सर हमारा आया है हंड्रेड सी फिफ्टी थ्री बिल्कुल सही है ये है एन ये है सी और ये क्या है आर और अभी मैंने बताया एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर तो हंड्रेड सी एन माइनस आर मतलब हंड्रेड माइनस कितना फिफ्टी थ्री तो भैया हो गया आंसर बोलो हंड्रेड सी फिफ्टी फोर्टी सेवन समझ तो में आ, आया अरे वो माइनस है डेस नहीं है वो वो माइनस लगा हुआ है ठीक है ना तो वो माइनस लगा हुआ है तुम तो 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 क्या कह रहे हो माइनस वाला दे रहा ऑप्शन में ओके तो 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 अच्छा एक बार इसको कर लेते हैं सॉल्व अपन देख लेते हैं कि हो सकता है कि अपन कोई मिस्टेक कर रहे हो है ना आज इसका थर्ड दिया हुआ है हाँ तो ये या मे भी मिसप्रिंट भी हो सकती है है ना माइनस में कोफिशियंट इसका चलो करके देख लेते हैं द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर फिफ्टी थ्री कह रहा है x की पावर 53 का काफिशियंट आपको बताना है चलो क्वेश्चन लिखते हैं चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मे भी हो सकता है माइनस आए या प्लस आए अच्छा क्वेश्चन है ये बढ़िया सवाल किया आपने देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर फिफ्टी थ्री इन एक्सपेंशन एक्स की पावर फिफ्टी थ्री का गुणांक बताना है और एक बेहद खतरनाक सी आपके सामने एक सिग्मा वाली सीरीज दे दी गई है सिग्मा एम एक टू जीरो से शुरू हो रहा है और ये कितना है 100 और ये है 100 सी और यहां पर है x माइनस थ्री की पावर 100 माइनस एम और कितना है 2 की पावर m 2 की पावर m चलो हां लग रहा मुझे माइनस आएगा एग्जैक्टली exactly. देखते हैं बाकी क्या होता है तो x की पावर 53 देखो भैया सबसे पहले इसको खोलो m की जगह पहला टर्म क्या आएगा जीरो आएगा m की जगह क्या आएगा जीरो तो पहला टर्म बनेगा हंड्रेड सी जीरो x माइनस थ्री की पावर हंड्रेड हाँ ना हंड्रेड माइनस जीरो माइनस थ्री की पावर कितना की बेटा नाइनटी एट और टू की पावर कितना टू और, और, और लास्ट यदि मैं बात करूं अगर लास्ट वाला टर्म है सौ कितना है सौ तो ये बनेगा हंड्रेड सी हंड्रेड x माइनस थ्री की पावर 100 माइनस हंड्रेड कितना जीरो और टू की पावर कितना 100 अरे वाह सर ये तो वो बन गया एन सी जीरो ए की पावर n और b की पावर n a की माइनस n b की पावर जीरो पावर n C, 1, a की पावर n, n है ना मतलब ये है क्या ये है a प्लस बी की पावर 100 है ये है मग, मगर a की जगह कौन बैठा है बेटा x माइनस थ्री कौन बैठा है और b की जगह कौन बैठा है टू और पहला टर्म प्लस है दूसरा भी प्लस है सारे प्लस हैं मतलब यहां पे बीच में क्या आएगा प्लस ही आएगा है ना यस की होल पावर कितना आया समझ में कि नहीं आया तो अब क्या बनेगा ये ये बन गया एक्स माइनस वन की होल पावर कितना हंड्रेड हाया एक्स माइनस वन की होल पावर हंड्रेड अब कह रहा है कि इस सीरीज का आपको बताना है कि x की पावर 53 कैसे कौन से पद में आएगी कह रहा है कि उसका कोफिशियंट बताना है इसका गुणांक बताना है चलो तो हम निकालते हैं इसका आर प्लस पद कौन सा पद आर प्लस, पद।, इसका आर प्लस पद होगा बेटा देखो माइनस वन की पावर आर यस और नो? क्योंकि एक्स माइनस वन होता है एक्स प्लस माइनस वन की पावर कितना हंड्रेड यस और नो याद आ रही चीजें धीरे धीरे हाँ तो भैया बहुत कॉम्प्लेक्स है ठीक है ना छोड़ेंगे पढ़ाई सब गोल हो जाएगा डब्बा गोल हो जाएगा एक चीज थोड़ी ना है बहुत चीजें हैं तो इसलिए डेली पढ़िए दो दो घंटे x की पावर 100 माइनस आर माइनस वन की पावर r ये हो गया अब देखिए क्या कह रहा है कि x की पावर कितना मांग रहा है 53 कितना मांग रहा है 53 मतलब ये जो चीज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए बेटा 53 मतलब 100 माइनस आर इक्वल टू कितना बेटा 53 तो r इक्वल टू हंड्रेड माइनस फिफ्टी बोले तो कितना 47 सेवन आया समझ में ना मतलब आर यहां पर आप फोर्टी सेवन डालोगे तब फिफ्टी थ्री देगा तो चलो लिखते हैं टी आर की वैल्यू कितनी आई बेटा फोर्टी सेवन प्लस वन मतलब एक तरीके से अड़तालीसवां पद कौन सा पद अड़तालीसवां पद आएगा हंड्रेड सी फोर्टी सेवन एक्स की पावर हंड्रेड माइनस फोर्टी सेवन मतलब कितना फिफ्टी थ्री तो एक्स की पावर फिफ्टी थ्री को किनारे लगाओ है ना और माइनस वन की पावर आर कितना आया बेटा फोर्टी सेवन ये नो तो ये माइनस वन उगलेगा कि नहीं उगलेगा आएगा ना क्योंकि माइनस ऑड पावर है तो बिल्कुल सही है भैया मतलब तरीके बराबर है बोलो समझ में आया कि नहीं आया बहुत अद्भुत क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है नोट करिए चलिए तो वो ट्रिक लिखिए वो ट्रिक क्या है

जब इसको आप ओपन करोगे अब इतना ओपन करना आसान नहीं है देखो इसमें दो पद इसमें तीन पद क्योंकि पावर दो है इसमें चार पद फिर पांच और इसमें कितने एन प्लस वन पद तो जब पूरी ओपन करोगे एक्स स्क्वायर इसमें भी आएगा एक्स स्क्वायर इसमें भी आएगा एक्स स्क्वायर आगे वाले में भी, भी आएगा है ना तो जब इसको पूरा ओपन करोगे तो बोलेगा कि x की पावर r का गुणांक क्या होगा कोफिशियंट x की पावर r का कोफिशियंट ठीक है ना लिख लो इतने की प्रसार में x की पावर r का गुणांक कोफिशेंट ऑफ x टू दी पावर r क्या होगा गुणांक n प्लस वन सी आर प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन चहेता सवाल एनडीए वालों का एन प्लस वन सी आर प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन ये होगा ठीक है भैया चलो देखो अब ये सवाल जैसे है इसमें क्या कह रहा है आपके पास जो सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर एट की बात की जाए क्वेश्चन नंबर एट में आपको दिया है सीरीज क्या दी है one plus, one plus X, plus plus का स्क्वायर डॉट 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 लास्ट पावर क्या है वन प्लस एक्स की पावर ट्वेंटी में एक्स की पावर दस का गुणांक क्या होगा लो तो पहचानो एन की वैल्यू क्या दी है बेटा बीस लास्ट पीस है ना और आर की वैल्यू क्या दी है बेटा दस. दस आर की वैल्यू दस दी है आपको निकालना है x की पावर 10 का तो x की फॉर्मूला होता है n प्लस वन सी आर प्लस वन यही है ना एन प्लस, तो प्लस कितना हुआ 21. और सी आर प्लस वन दस प्लस एक कितना 11. आंसर टिक मारो 21 वन सी एलेवन ट्वेंटी 11. सी एलेवन ठीक है ना सी आंसर दिख गया और हो सकता था आपको ये ट्वेंटी वन सी टेन बोल दे बेटा अच्छा थोड़ा सा गेट लगा दे वो लाइट आ रही है फ्लैशेस आ रहे हैं लाइट के थोड़ा सा डाउन <ण्णाग> चलो ठीक है चलो ठीक है ट्वेंटी वन सी एलेवन ये होगा ठीक है ना ट्वेंटी वन सी एलेवन नोट कर लो हां डायरेक्टली फॉर्मूला है ट्रिक है ट्रिक ठीक है ट्वेंटी वन सी एलेवन अब यदि इसको आप बोलोगे कि सर उसको पूरे मेथड से करो कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लो टाइम ज्यादा लगेगा करवाऊँ कि ना करवाऊँ नो no, करवाऊँ <coughs> चलो ठीक है तो इसको नोट कर लो अब इसको करने के लिए फिर आपको वो बनानी पड़ेगी इसकी एक्सपेंशन डन चलिए तो यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं कल मिलते हैं फिर ओके थैंक यू सो मच बच्चों